थोड़ा सा हरा धनिया, ये थोड़ा सा बटर, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ये इसमें थोड़ी सी चीज डाल दी, ये तंदूरी मोमोज बनके रेडी हो गए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और कानपुर के एक नए वीडियो में आप सभी लोग का फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग आ गए छवन पीढ़ी, जो आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और आप लोग बहुत टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे छवन पीढ़ी छवन पीढ़ी छवन पीढ़ी। तो फिलहाल आ गया आपका भाई आज छवन पीढ़ी, और छवन पीढ़ी से कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा। लेकिन आपके कमेंट पर मैं नोटिस करता रहता हूँ और वीडियो शूट करता रहूँगा, कभी आगे कभी पीछे होता रहेगा, तो परेशान नहीं होएगा। तो आप कमेंट करना मत भूला करिए और वीडियोज़ को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए, जो न्यू व्यूवर्स आएंगे उनके लिए तो लोकेशन ज़रूरी है, बर्रा दो में है इनकी शॉप, तो लोकेशन शेयर करते हैं आपके साथ कि कहाँ पर छवन भैया की ये शॉप है। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं छवन भैया की शॉप की लोकेशन क्या है। तो शॉप का पूरा नाम है छवन पंडित पेटीज कॉर्नर, और ये आपको बर्रा दोंगे इनकी शॉप मिलेगी। तो लोकेशन दिखाते हैं आपको। तो ये जो रोड आ रही है संकट मोचन मंदिर से आ रही है, जो बर्रा दो में है। तो जब संकट मोचन मंदिर से राम जानकी मंदिर बर्रा दो के लिए जाएंगे तो ये शॉप आपको राइट हैंड पर पड़ेगी, और जब आप इधर से आ रहे होंगे राम जानकी मंदिर से बर्रा दो वाले और संकट मोचन मंदिर जो बना हुआ है उसके लिए, तो ये जो शॉप है छवन भैया की ये आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं शॉप के अंदर और भैया से बात करते हैं और देखते हैं आज यहाँ क्या क्या ट्राई करेंगे हम लोग कुछ नया। सो गाइस, चलिए आ गए हैं शॉप के अंदर, तो भैया से बात कर लेते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? नाम हमारा अजय कुमार त्रिवेदी है और शॉप का नाम छवन पंडित पेटीज कॉर्नर है। तो ये छवन पेटीज किस नाम से, मतलब कैसे नाम? ये छवन हमारा घर का नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, चलता फिरता नाम छवन है। हाँ, मतलब ये बचपन से नाम है छवन। तो आपकी शॉप यहाँ पर कब से चल रही है वाली? यहाँ पे 2015 चल रही है, वैसे 2011 से हमारी दुकान खुली है। 2011? हाँ, यहाँ पे 2015 में, उसके पहले सामने चलती थी। तो क्या क्या मिलता है आपकी शॉप पर? फास्ट फूड का सारा आइटम मिलता है, और पेटीज हमारी ज़्यादा फेमस, तो पेटीज मतलब परमानेंट व्यक्ति, और सैंडविच नाम से तो फेमस चल रहे हैं। हाँ, और सैंडविच है, तंदूरी मोमोज है, इस समय ज़्यादा मतलब चल रहा है। और टाइमिंग वगैरह क्या आपकी शॉप की? टाइमिंग हमारी सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक। तो जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे पेटीज पेटीज पेटीज, तो आज देखते हैं हम भी आपकी स्पेशल पेटीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या आज अच्छा रिकमेंड करना चाहेंगे आप? जैसे कि चीज़ सैंडविच हो गया। हाँ। और तंदूरी मोमोज हो गए, पनीर पेटीज हो गई, और चीज़ पेटीज भी है। अच्छा। और बाकी पास्ता है, राइस, चाउमीन, मोमोज, ये तो सब बिकता ही रहता है। हाँ, तो मतलब आप तीन चीज़ें रिकमेंड करना चाहते हैं? तीन चीज़ें हम चाहते हैं कि आप टेस्ट करिए, और मतलब जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको बताइए। अच्छा, तो गाइस हम लोग तीन चीज़ टेस्ट करेंगे भैया की। एक हो गया तंदूरी मोमोज, और सैंडविच हो गई, और पेटीज। हाँ, पेटीज। तो हम लोग दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे, पार्ट वन में हम लोग तंदूरी मोमोज चलाएंगे, और पार्ट टू में भैया की सैंडविच हो जाएगी और पेटीज हो जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो भैया प्राइस क्या क्या है? पेटीज हमारा पनीर वाली 30 रुपये की है, तंदूरी मोमोज 40 रुपये प्लेट है, और चीज़ सैंडविच 70 रुपये की है। सैंडविच 70 रुपये की हो गई, और मोमोज हो गए 40 रुपये के। हाँ। और पेटीज हो गई 30 रुपये की, जो सबसे ज़्यादा फेमस हो सबसे ज़्यादा कम। हाँ, भैया के पहले तंदूरी मोमोज ट्राई करेंगे और उसका टेस्ट शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेकिंग, जो पार्ट वन में हम लोग तंदूरी मोमोज डालने वाले हैं, और पार्ट टू में सैंडविच, और डालेंगे क्या, पेटी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं मेकिंग, देखते हैं तंदूरी मोमोज की, और फिर खा के टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस, चलिए अपने तंदूरी मोमोज रेडी होने जा रहे हैं, तो मेकिंग देखते हैं और उसके बाद खा के आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। ये मोमोज है फ्राइड, ये मेयोनीज हो गई मेरी, ये तंदूरी सॉस, ये स्पेशल सॉस, इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, ये थोड़ा सा बटर, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ये हो गई स्पाइसी सॉस, ये बन के रेडी हो गए। हाँ।
इसमें फिर से मेयोनीज लगा दी थोड़ी। इसमें थोड़ी सी चीज डाल दी, फिर तंदूरी मोमोज बनके रेडी हो गए। सो गाइस फाइनली देख लीजिए, अपने तंदूरी मोमोज रेडी हो गए हैं और प्लेटिंग वगैरह भी कंप्लीट है। तो चलिए खाते हैं और टेस्ट शेयर करते हैं। और तंदूरी मोमोज के ऊपर से इसमें चीज़ भी डाली गई है और धनिया वगैरह भी, तो उसका टेस्ट और तगड़ा आएगा। तो चलिए अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं भी खाता हूँ और इसका टेस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, और साथ में स्पून भी आ गया है। तो चलिए अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, उठाते हैं प्लेट फटाक से अपनी और खाते हैं और टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस फाइनली रेडी होके आ चुके हैं अपने तंदूरी मोमोज। तो छवन भैया की जैसे कि पेटीज बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसका ब्लॉग हम लोग पार्ट टू में डालेंगे। फिलहाल पहले तंदूरी मोमोज शूट कर रहे हैं और बनाया तो बहुत गजब का है, और ऊपर से धनिया वगैरह और चीज़ वगैरह भी डाली गई है। तो चलिए खाते हैं, पहले वन पीस उठाते हैं तंदूरी मोमोज का और खा के टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस एक मोमोज खाया हम लोगों ने और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, और स्टफिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है अंदर की, और भैया ने जो तंदूरी सॉस वगैरह डाली है, और भैया इसमें खट्टा बना रहा, कौन सी सॉस यूज़ करी है आपने? स्पेशल सॉस आपकी है। ओ गाइस स्पेशल सॉस भैया की है जिसकी वजह से इस पर खट्टा बना रहा, और जो तंदूरी सॉस है बहुत गजब का टेस्ट दे रही है, और जो स्टफिंग वगैरह है मोमोज की वो बहुत ही टेस्टी, और ऊपर से चीज़ और धनिया डाली गई थी, चार चांद बहुत तगड़े लगा रही है, और प्याज वगैरह भी ऊपर से डाले गए हैं, और क्रिस्पी है मोमोज क्योंकि फ्राई होके आते हैं उसके बाद ही तंदूरी मोमोज रेडी करे जाते हैं। तो एक पीस और खाते हैं और फिर फाइनली टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइज हम लोगों ने एक मोमोज और ट्राई किया है, तो स्टफिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जैसे कि भैया फेमस तो हैं ही, लेकिन जो उनका टेस्ट है वाकई अच्छा है, और 40 रुपये की प्लेट है तंदूरी मोमोज की, तो टेस्ट बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है, मतलब क्या बताएं मोमोज को। तो भैया इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और जो अनियन आपने डाला है और चीज़ डाली है और ऊपर से धनिया, वो टेस्ट में चार चांद लगा रही है। तो चलिए फाइनली हम तंदूरी मोमोज ख़त्म कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाए भैया ने, आप भी आइएगा ट्राई करने। छवन भैया के आप लोग आते ही होंगे, आप लोग के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो आते होंगे, तो एक बार भैया के तंदूरी मोमोज भी ट्राई करिएगा, लल्लन टॉप बनाए गए हैं बहुत तगड़े। सो गाइस चलिए रिव्यू ले लेते हैं, रिव्यू की बारी आ गई है। तो दीदी जी आपका नाम क्या है? अदिति शुक्ला। और आप छवन भैया की शॉप पर कब से आ रही हैं? बहुत टाइम हो गया, कोचिंग के टाइम से, जब मैं 9th क्लास में थी तब से। आप किस क्लास में, ये तो बता दीजिए। ग्रेजुएशन 3rd ईयर। अच्छा, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया है। और आपने छवन भैया क्या क्या ट्राई किया हुआ है? मैंने इनकी पनीर की पेटीज ट्राई की हुई है, और मेरी फेवरेट तो यही है पेटीज, तो मैं पेटीज ही ज़्यादातर खाती हूँ आके, बाकी सैंडविच भी ट्राई कर चुकी हूँ, और अभी बहुत कुछ ट्राई करना बाकी है, बट ऑल टाइम फेवरेट यही है मेरा। मतलब शॉप पर जब भी आती हैं ज़्यादातर पेटीज ही खाने आती हैं। हाँ, तो कैसा टेस्ट है इनकी पेटीज का? यम्मी है इस टाइप। और क्या रिकमेंड करना चाहेंगी आप? बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट प्राइस में देते हैं, अच्छा माहौल है, आप आइए मज़े से खाइए, और क्या कहूँ मैं। तो मतलब पेटीज आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगती है इनकी? या। और भी खाइए कि यहीं पर आती हैं परमानेंट आप खाने? नहीं, मैं यहीं पर पेटीज के लिए तो मैं यही प्लेस प्रेफर करती हूँ। तो ठीक है, आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो गाइस फाइनली अपने तंदूरी मोमोज ख़त्म हो चुके हैं, और टेस्ट बहुत ही औंधा था, खाकर मज़ा आई। अब हम लोग चलते हैं पार्ट टू में, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे भैया के सैंडविच और पेटीज जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ठीक है, अपना वीडियो आज का यहीं से एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि भैया के तंदूरी मोमोज ट्राई करने आइएगा, बहुत ही तगड़े बनाए थे। तो ठीक है, शेयर तो कर दीजिएगा, और उसका अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अब हम आपको सीधे पार्ट टू में, जिसमें हम लोग सैंडविच ट्राई करेंगे और भैया की पेटीज, और पार्ट टू में आपको लिंक पार्ट वन का तभी मिलेगा जब पार्ट टू आ जाएगा। तो ठीक है, अपना ये वाला व्लॉग यहीं से एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सैंडविच में और पेटीज में।